नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से यदि आप कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण है, फेल है, तो उसके रुक जाना नहीं योजना के आवेदन फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन करोगे ताकि आप कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर सकें, और इस आवेदन फॉर्म में हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, इसकी अंतिम दिनांक क्या रहेगी, इसकी शुल्क क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सत्र 2023 के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल यानी कि MP बोर्ड के रिजल्ट कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के आ चुके हैं। उस रिजल्ट में यदि कोई बच्चा कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में फेल हुआ है तो वो घबराए नहीं, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि ओपन स्कूल के माध्यम से रुक जाना नहीं योजना के लिए आवेदन फॉर्म चालू हो चुके हैं। उसमें आप अपना आवेदन फॉर्म फिल करें और अपना साल बचाए। हमें रुक जाना नहीं योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले mpsos.mponline.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों, हमें सिंपल से सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, श्रमोदय एग्जामिनेशन, CBSE ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, सुपर 100 एग्जामिनेशन, और यहाँ पर हमें चौथे नंबर पर दोस्तों एक ऑप्शन खुलकर आया है, रुक जाना नहीं योजना जून 2023 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 4/6/2023 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी, इसके आवेदन चालू हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों, हमें रुक जाना नहीं योजना के लिए आवेदन करना है तो एक लिंक यहां पर दी है, RJNY जून 2023 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सिंपल से ये वाली लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें एक डैशबोर्ड सामने दिखेगा, रुक जाना नहीं योजना आ लोड चले जून 2023 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आवेदन करने के लिए अपना माध्यमिक शिक्षा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम का अनुक्रमांक दर्ज करें। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले अनुक्रमांक पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको यदि आपने MP बोर्ड से आपने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है और उसमें फेल हो गए तो आपका MP बोर्ड का जो भी रोल नंबर था कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं का, वो रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप BPL कार्डधारी है, यदि आपके पास BPL प्रमाण पत्र है तो हाँ को सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करें। उसके बाद में क्या आप 40% या अधिक विकलांग है, यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करें। यदि आप इन ऑप्शन को हाँ को सिलेक्ट करते हैं तो इनके दस्तावेज आपको ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करने रहेंगे, और नहीं को सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड देना है और सिंपल से हमें सर्च पर क्लिक करना है। तो हमें जानकारी डालकर सर्च पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम जानकारी डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यदि आप 12वीं का करोगे तो यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दिखेगा, और 10वीं का करोगे तो हाई स्कूल। तो जो भी करोगे उसकी जानकारी यहाँ पर आपको खुलकर सामने आएगी। जिस बच्चे का आप रोल नंबर दोगे उसका डाटा खुलकर सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल कोड, स्कूल कोड, एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। उसके बाद में दोस्तों, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मीडियम, जेंडर, BPL और विकलांग, जो हमने यस नो को सिलेक्ट किया था वो दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी। यहाँ पर छात्र छात्रा की जो भी MP बोर्ड में फ़ोटो स्कैन कर अपलोड की थी वो फ़ोटो यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों, स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, थ्योरी मार्क, प्रैक्टिकल मार्क, टोटल मार्क और रिमार्क। तो दोस्तों, जैसे आप अपना कक्षा 10वीं की या कक्षा 12वीं का रिजल्ट में जो डाटा था वही यहाँ पर आपको शो होगा। जो आपके सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट दिखेंगे, जो थ्योरी प्रैक्टिकल में नंबर आए थे वो दिखेंगे, और जो टोटल नंबर था और जो रिमार्क था वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। ये आपका रिजल्ट यहाँ पर आपको शो होगा। तो यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट में आपका फेल यानी कि F लिखा है तो वो फेल है, वो सब्जेक्ट के सामने आपका FF लिखा है। तो दोस्तों, इस बार जो है आपके ऑटोमेटिक जितने सब्जेक्ट में आप फेल हो वो सब्जेक्ट की परीक्षा आपको देनी रहेगी। हमें यहाँ पर जितने सब्जेक्ट में आप फेल हो वो सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आपका जिला है, जिस जिले से आपने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं कर रखी है, उस जिले पर आपको जिला स्तर पर परीक्षा देनी रहेगी।
तो वो परीक्षा सेंटर जिला यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद में हमें छात्र छात्रा के माता पिता का मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर आपको फीस दिखेगी और पोर्टल फीस, इस तरीके से आपको टोटल फीस जो भी है वो फीस यहाँ पर आपको दिखेगी। दोस्तों ये जो फीस है ये आपका पेपर, जितने पेपर में आपको फेल है उसके अनुसार आपको यहाँ पर डाटा शो होगा। यदि आप कक्षा दसवीं में हैं और आप दो विषय में सप्लीमेंट्री है तो आपको रुक जाना नहीं का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और कक्षा बारहवीं में यदि आप दो विषय में फेल है तो आवेदन करना है, एक विषय में यदि सप्लीमेंट्री है तो आप इसमें आवेदन ना करें। और दो विषय से ज़्यादा यदि आप में दो विषय सप्लीमेंट्री है कक्षा दसवीं में तब भी आप इसमें आवेदन ना करें, आपको सप्लीमेंट्री का आवेदन फिल करना है। तो सप्लीमेंट्री का आवेदन कैसे फिल करेंगे उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों कक्षा दसवीं में दो विषय में सप्लीमेंट्री मान्य है और कक्षा बारहवीं में एक विषय में सप्लीमेंट्री मान्य है, और यदि आप फेल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर एक नोट लिखा है, कृपया अपने सही मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें, विभाग द्वारा सभी जानकारियों को SMS के माध्यम से ही दी जाएगी। तो आप जो मोबाइल नंबर दोगे वो चालू वाला जो एक्टिव मोबाइल है वही यहाँ पर आपको देना है, बंद वाला मोबाइल आप ना दें, अन्यथा आपका जो भी परीक्षा संबंधी जानकारी है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसके बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में एक एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। उसके बाद में दोस्तों इसका आप पेमेंट भुगतान कर ले। यदि आप MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तो आप अपने MP ऑनलाइन के माध्यम से इसका पेमेंट भुगतान कर ले, और आपके पास MP ऑनलाइन नहीं है तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है इसका पेमेंट भुगतान कर ले, और पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। साथ ही दोस्तों इसके जो परीक्षा है वो जून में यानी कि अगले महीने में इसकी परीक्षा होगी, तो इसका टाइम टेबल जब आएगा हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा विभाग यानी कि मध्य प्रदेश ओपन स्कूल के माध्यम से जो रुक जाना नहीं योजना के आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है, और आवेदन फिल करने के बाद में पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।